आता आपण शेवटच्या आणि उतारा क्रमांक चार अभ्यासूया. तर चला सुरू करूया उतारा क्रमांक चार. माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला, माझ्या व्याख्यानाला गाजल्या, आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला. मुझे मेरे ग्रंथ को जो है कौन सा पुरस्कार मिला है, यहाँ पर शमू पठान बता रहे हैं, सॉरी यमु पठान बता रहे हैं, राज्य पुरस्कार मिला, आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला. आदर्श प्राध्यापक आदर्श टीचर बोल के उनका गौरव भी यहाँ पर किया गया, उनका सम्मान किया गया. मला डीलीट मिळाली, उनको जो है डीलीट पदवी भी दी गई. राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सम्मान झाला, मुझे राष्ट्रीय प्राध्यापक बोलकर मेरा सम्मान किया गया. राष्ट्रीय प्राध्यापक के तौर पर मुझे सम्मानित किया गया. संत साहित्य चिंतना सारख्या माझ्या पुरस्काराला श्रेष्ठ साहित्य विषय ग्रंथाला पुरस्कार मिळाला. देखिए संत साहित्य चिंतन जो उनका ग्रंथ है उसको श्रेष्ठ संत साहित्य विषय पुरस्कार से नवाजा गया. मला परदेशांची निमंत्रण आले, मुझे बाहर देशों से बुलावे आहे. इस तरीके से यमु पठान अपने बारे में यहाँ पर बता रहे कि त्या बातमी सांगणारी जी पत्र नी तारा माझ्या टेबलावर येऊन पडत. अगर मुझे बाहर गाँव से आला कोई चीजें बुला रही है या मुझे कोई न्यूज मिल रही है या मुझे कोई सम्मान मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है और वो चीजें मेरे टेबल पर आती है तब की पाकिट फोड़ून या बातमी मी प्रथम कुणाला सांगत असत. क्वेश्चन मार्क की जब मेरे पास ऐसी चीज आती थी तो सबसे पहले मैं ये चीजें किसे बताया करता था, आपको जाहिर सी बात है कि मकबरा को लेकर यहाँ पर बताते. काचेच्या खिडकीतून माझ्याकडे टक लावून पाहणाऱ्या मकबऱ्याला मैं किसे बताता था कि काच की खिड़की में से मेरे तरफ टक एक आंख से एक टक लगा के देखने वाले मकबरे को मैं तमाम चीजें बताया करता था. मग मकबऱ्याचे मीनार मिस्किलपणे हसत डोलत त्याच्या खिडकीमधून माझ्याकडे टक लावून पाहणाऱ्या मकबऱ्याला मग मकबऱ्याने मीनार मिस्किलपासून हसत डोकत त्याचा घुमट तरवून येईल माझ्या यशाने त्यालाही तेज चढे और मेरी कामयाबी से जो है ना उसको भी फखर उसको भी प्राउड फील होता था. किसको? मकबरा को. लेखक की कामयाबी से देखिए इस तरीके से यहाँ पर कल्पना तस्वूर किया जा रहा है. त्यांच्या स्नेहशील दृष्टींचे वर्षवाद मी अखंड न्याहून निघत असते. उनकी बारिश से उनकी मोहब्बत की बारिश से मैं पूरी तरीके से नहाकर निकल जाया करता था. माझ्या आयुष्यात या स्नेहाशनाचा फार फार मोलाचे स्थान आहे. मेरे जिंदगी में ये जो लम्हे थे ये जो वक्त था इसका बहुत बहुत कीमती स्थान रहा है. एक बहुत कीमती जगह मेरी जिंदगी में इन चीजों की रही है. ये सारे क्षण भी माझ्या हृदयात खोल खोल जपून ठेवले आहेत. की तमाम एक एक लम्हा मैंने अपने दिल में बहुत अच्छे से छुपा कर रखा है, अपने दिल में बहुत अच्छे से बसा कर रखा है, दडून ठेवले आहेत. मकबरा जसे माझ्या सुख पाहिले आहे तसे दुःखही अनुभवलेले आहे. देखील मकबराने जिस तरीके से मेरा सुख देखा है उस तरीके से उसने मेरा दुःख भी देखा. शामू पठाण इस तरीके से कह रहे गेली 25-30 वर्ष हा हसूचा खेळ अविरत चालत आहे. की पिछले 25-30 सालों से हमारी कहानी जो है इसी तरीके से हसी खुशी चल रही, यापुढे चालणार आहे और इसके आगे भी चलेंगे. इस तरीके से यमु पठाण बता रहे माझ्या मनातल्या मकबरा माझ्या बरोबर युगायुगीन अशीच वाटचाल करणार आहे. मेरे दिल का मकबरा भी मेरे साथ जो है युगो युगो तक मतलब लंबे लंबे अरसे तक इसी तरीके से वाटचाल करणार वाला है. हिवाळा असो पावसाळा असो उन्हाळा असो, क्या कह रहा है कि यहाँ पर अगर बारिश होती है धूप होती है या सर्दी का मौसम होता है हमारी जो कहानी है वो सतत इसी तरीके से चलती रहेंगी.